चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीपी मॉडल पर खुलेंगे फार्मेसी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। साइबर अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की जरूरत, सीएम योगी ने यूपी पुलिस को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जीते जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की एकमात्र इच्छा, मथुरा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंद के साथ की आरती। रायबरेली में टूरिस्ट वीजा पर अंगोला गए युवक को चीनी लोगों के हाथों बेचने की कोशिश, पासपोर्ट भी छीना। आलोक से चल रही खटपट के बीच ज्योति मौर्या ने उठाया बड़ा कदम, अचानक पहुंच गई कोर्ट। और मुरादाबाद के बाद अब आगरा में भाजपा नेता को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में अब महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा करवा चौथ का अवकाश, आदेश हुआ जारी। उत्तर प्रदेश घोसी में ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश यादव को पहुंचाएंगे सैफई, 2024 में सपा का नहीं खुलेगा खाता। लखनऊ में युवक ने व्हाट्सएप पर लगाया पाकिस्तान की आजादी के जश्न का स्टेटस, हुआ हंगामा, भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के स्थापना दिवस ने बोले डिप्टी सीएम, कृष्ण अर्जुन की तरह मित्र हैं पीएम मोदी और संजय निषाद। महाकुंभ से पहले प्रयाग की बदलेगी तस्वीर, 276 करोड़ की 34 परियोजनाओं को मिल गई स्वीकृति। बस आ ही गया वो समय, चांद पर कब लैंड करेगा चंद्रयान 3, अभी क्या है लाइव लोकेशन, जानेंगे पूरी जानकारी। अरहर दाल के दाम में लगी आग, महंगाई से जनता हुई परेशान, जाने ताजा रेट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाएगी विटामिन ए की खुराक, सीएमओ ने किया अभियान का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री के साथ बैठक, शिक्षकों की सेवानिवृत्त उम्र 65 साल करने पर हो सकता है फैसला। यूपी को सस्ते टमाटर का अब रास्ता साफ, नेपाल से आयात, आज से 50 रुपए किलो बिकेगा टमाटर। उत्तर प्रदेश की मथुरा में जामा मस्जिद से निकलेगी श्री कृष्ण की प्रतिमा, जन्मभूमि विवाद पर बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। गदर 2 में 65 के सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर चला हथौड़ा, बनने जा रहा फॉरेस्टा 300 करोड़ का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड। सीमा हैदर को अब नहीं भेजेगा सचिन, यह सुनते ही भड़क गया गुलाम हैदर, बोला तुम्हारी बीवी। राम मंदिर में हर सेकेंड 3 भक्तों को मिलेगा रामलला के दर्शन का मौका, रोजाना 1 लाख लोगों की आने का अनुमान। अब चारबाग आउटर पर नहीं खड़ी रहेंगी ट्रेनें, 40 साल पुरानी सिग्नलिंग व्यवस्था को बदलेगा रेलवे। नेपाल से रीवा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस में लगी भीषण आग, लोगों ने कूद कर बचाई जान। चौकिए मत, अब यूपी में बिजनेस के मॉडल भी बनेंगे गांव, फल सब्जी के साथ मछली कक्कुट पालन का बनेगा हब। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में दूषित भोजन खाने से 15 छात्राएं बीमार, आला अधिकारी पहुंचे। भाकियू नेता नरेश शिकैत की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी, हत्या में बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की सिफारिश। राष्ट्रपति मुर्मू के लिए होगी गदर 2 की वीआईपी स्क्रीनिंग, अब आया भारत सरकार का बयान। चलिए एक एक करके जो भी बड़ी खबरें हैं उनको विस्तार से जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, हमारे इस मेहनत के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा लें। उत्तर प्रदेश के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे फार्मेसी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, मरीजों को किफायती दर पर गुणवत्ता पूर्वक दवाएं मुहैया कराने को प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। बता दें कि पीपीपी के माध्यम से इन हाउस फार्मेसी शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के 4 राज्य के मेडिकल कॉलेजों को चुना गया है। नई व्यवस्था लागू होने से भर्ती व ओपीडी में आने वाले मरीजों को आसानी से दवाएं मिल सकेंगी। साइबर अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की जरूरत, सीएम योगी ने यूपी पुलिस को सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साइबर विशेषज्ञों को अपराधियों से 2 कदम आगे सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी भी उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। कहीं कोई अपराध होता है तो उसकी जाँच और रिपोर्ट पूरी होने में महीनों लग जाते हैं, बहुत बार पीड़ित न्याय पाने से वंचित भी हो जाता है या न्याय की आस में पूरा जीवन ही खत्म कर देता है। जरूरी है कि हम लोग आज अपराध की प्रकृति क्या है और समाज की डिमांड क्या है उसके लिए खुद को तैयार करें। बता दें कि ये सभी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं।
हैं। जीतिया जी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की एकमात्र इच्छा मथुरा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री देवकी नंद के साथ की आरती। दरअसल हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मथुरा पहुँचे। मंदिर पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने देवकी नंद महाराज के साथ पार्थिव शिवलिंग अभिषेक कर आरती की। पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंद महाराज एक साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जीवन की एकमात्र इच्छा है कि जीते जी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। उन्होंने वृंदावन में काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर निर्माण जरूरी बताया। वहीं देवकी नंद महाराज के साथ आगरा जामा मस्जिद सीढ़ियों से केशव देव विग्रह को वापस लाने का संकल्प भी लिया है। उत्तर प्रदेश में अजीबो वारदात। रायबरेली से टूरिस्ट वीजा पर अंगोला गए युवक को चीनी लोगों के हाथों बेचने की कोशिश, पासपोर्ट भी छीना। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बताते तो ऐसे लोगों से आप सावधानी रहे। यूपी के रायबरेली के रहने वाले के युवक को चीनी लोगों के हाथों बेचने की कोशिश की गई है। दरअसल अंगोला गए इस युवक का जबरन पासपोर्ट छीन लिया गया। आरोप है कि मेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने ही टूरिस्ट वीजा देकर उसे अंगोला भेजा और वहां पर उसे बेचने का प्रयास किया। किसी तरह वह उन लोगों के चंगुल से छूटकर भारत लौटा। युवक ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने LIU के अधिकारियों को प्रकरण की जाँच सौंपी है। आलोक से चल रही खटपट के बीच ज्योति मौर्या ने उठाया बड़ा कदम और अचानक पहुंच गई कोर्ट। जी हां, बता दें कि PCS अधिकारी और यूपी के बरेली में तैनात ज्योति मौर्या ने पति आलोक के साथ चल रही खटपट के बीच बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ज्योति ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही तमाम सामग्रियों को हटाने की मांग की। उल्लेखनीय है कि ज्योति मौर्या का मामला कुछ समय पहले तब सामने आया था जब उनके पति आलोक ने उन पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं रोते ही आलोक ने दावा किया था कि उन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ा लिखा कर UPSC की तैयारी करवाई, लेकिन जैसे ही वह PCS अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई पति को धोखा दे दिया। मुरादाबाद के बाद अब आगरा में भाजपा नेता को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। जी हां, मुरादाबाद में सनसनीखेज तरीके से गोलीबारी कर भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या के बाद अब आगरा में BJP के नेता राकेश कुशवाहा को गोली मारी गई। बता दें कि उन्हें भी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी, उनके पेट और कंधे में गोली लगी है। गंभीर हालत में उन्हें SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात उनके हरिपर्वत के रिंग रोड क्षेत्र में घर के सामने हुई। आपको बता दें कि ये जो भाजपा नेता थे उनके पिता को लोगों ने 5 साल पहले ही मार दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में अब महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा करवा चौथ का अवकाश, आदेश हुआ जारी। जी हां, माध्यमिक विद्यालयों में तैनात महिला शिक्षिकाओं के लिए करवा चौथ व्रत का अवकाश घोषित किया गया है। इसकी मांग लंबे समय से शिक्षक संगठन कर रहे थे। वही माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इससे संबंधित आदेश आज जारी कर दिया है। महाकुंभ से पहले प्रयाग की बदले की तस्वीर, 276 करोड़ की 34 परियोजनाओं को स्वीकृत। जी हां, बता दें कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज की तस्वीर बदलने की तैयारी हो रही है। 276 करोड़ की 34 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। वहीं महाकुंभ 2025 के पहले शहर की दीवारों को कलेवर बदलेगा। इस बार 10 लाख वर्ग फीट वॉल पेंटिंग पेंट माई सिटी के तहत होगी। वहीं महाकुंभ 2025 के तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई OPEX कमेटी की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया है। वहीं आज लखनऊ में हुई बैठक में 276 करोड़ की 34 परियोजनाओं पर सहमति बनी है। बस आ ही गया वो समय जब चांद पर लैंड कर रहा है चंद्रयान 3। अभी क्या है लाइव लोकेशन जानिए। जी हाँ, बता दें कि देश के करोड़ों लोगों को जिस पल का सालों से इंतजार था वह घड़ी अब धीरे धीरे करीब आ रही है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष 5वीं और अंतिम प्रक्रिया से गुजरा है, जो मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चंद्रयान 3 के लिए आज यानी गुरुवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। अरहर दाल के दाम में लगी आग, महंगाई से जनता हुई परेशान, जाने ताजा रेट। जी हां, बाजार में पहले से ही टमाटर और अदरक के साथ ही दूसरी सब्जियों की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। सब्जियों के दामों में महंगाई बढ़ने के बाद आम आदमी के लिए काफी परेशानी खड़ी हो चुकी है। बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और बाजार में कई ऐसे लोग हैं जो सट्टे लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बता दें कि अरहर की दाल के साथ ही चने की दाल और बेसन की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में अरहर की दाल की कीमत 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। इसके साथ ही चने की दाल और मटर की दाल में भी 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है।
सीमा हैदर को अब नहीं भेजेगा सचिन, यह सुनते ही भड़क गया गुलाम हैदर। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर लंबे समय से चर्चाओं में है। उस पर कराची टू नोएडा नामक फिल्म भी बन रही है। इस फिल्म के सिलसिले में सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर को भी सऊदी से बुलाया गया है। हालांकि वह भारत आएगा या नहीं इस पर कुछ साफ स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन इस बीच पिछले दिनों सीमा हैदर, सचिन मीना और गुलाम एक इंटरव्यू में एक साथ शामिल हुए, जिसमें तीनों के बीच जमकर तू तू मैं हुई। जब गुलाम ने सुना कि सीमा हैदर को सचिन वापस पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो वह भड़क गया। उसने सचिन से सवाल कर लिया कि आखिर तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। चौंकिए मत, अब बिजनेस के मॉडल भी बनेंगे गांव। फल सब्जी के साथ मछली कुक्कुट पालन का बनेगा हब। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के हर जिले में ऐसा गांव होगा जो मॉडल बनेगा और यूपी भर में अपनी खासियत की मिसाल भी कायम करेगा। ग्राम पंचायतें अपनी जमीन पर कुछ ऐसे बाजार विकसित करेंगी जो ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। मंडलायुक्त की पहल पर ऐसे गाँव की टीम को आज सम्मानित भी किया जाएगा। गाँव गाँव मॉडल गाँव की प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। तो खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सीएम योगी के इन सभी फैसलों में से कौन सा फैसला आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करने का कष्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबाएं।